तो है मेरे जिगर की चिट्ठिया गाठिया कोई जब आएगा तुझको चुरा के ले जाएगा कटे तन्हा तेरे बिना बता पति निखिल नंदा के साथ नहीं रहती है अमिताभ की बेटी श्वेता बच्चन। अमिताभ और जया बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन नंदा का जीवन हमेशा रहस्यमय रहा है। हमेशा शोबिज की लाइफस्टाइल से दूर रहने वाली श्वेता बच्चन नंदा तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने डिजाइनर मोनिशा जय सिंह के साथ मिलकर अपना फैशन लेबल MXS लॉन्च कर फैशन की दुनिया में कदम रखा था। कुछ में है खून मेरा तू बिल्कुल मेरे जैसा है, लेकिन लोग अब इस रहस्य को भेदने में लगे हुए हैं कि श्वेता अपने ससुराल और पति निखिल नंदा के साथ न रहकर मुंबई में अपने माता पिता के साथ क्यों रहती है। श्वेता बच्चन अपने ससुराल और पति से दूर जरूर रहती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने अपने पति से तलाक लिया है या उनसे किसी तरह की कोई दिक्कत है। दरअसल श्वेता और उनके पति निखिल नंदा अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, जिसके चलते दोनों को अलग अलग रहना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, निखिल नंदा एस्कॉर्ट ग्रुप के एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वही श्वेता नंदा एक राइटर मुनिया है। हमेशा से ही आत्मनिर्भर बनना चाहती है, इसीलिए वे अपने पति के पैसों पर निर्भर नहीं रहती है। उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन इसके बावजूद वो काम करती है और अपने पैसों से अपने बच्चों की परवरिश करती है। श्वेता की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्वेता ने 21 साल की उम्र में शादी कर ली थी और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सब कुछ त्याग दिया था। लेकिन शादी के 10 साल बाद उन्होंने खुद का करियर बनाने का तय किया, जिसके लिए उन्हें दिल्ली से मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। मुंबई में उनके माता पिता भी रहते ही हैं। एक ही शहर में रहने की वजह से श्वेता हर छोटे बड़े मौके पर जलसा पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती है। यानी श्वेता बच्चन ने अपने पति से तलाक नहीं लिया है, वे अपने पति और अपने ससुराल वालों के साथ बेहद खुश है। इतना ही नहीं, वो अपने माता पिता और ससुराल वालों के साथ अच्छे संबंध रखती है। बस यही छोटी सी अपनी सारी दुनिया है। श्वेता के अनुसार भारतीय समाज में एक ऐसी छवि बनी हुई है कि जब कोई लड़का अपने माता पिता के घर आता है तो उसे विनम्र माना जाता है, जबकि जब कोई लड़की अपने माता पिता के घर जाने लगती है तो लोगों को लगता है कि उसकी शादी टूट गई, जिसके चलते वह अपने माता पिता के साथ रहने के लिए वापस आ गई है। श्वेता बच्चन को माँ ने बचपन में बहुत मारे थप्पड़, जया ने कहा बहुत आता था बेटी पर गुस्सा। अमिताभ बच्चन कई बार ये बात कह चुके हैं कि वो अपनी बेटी श्वेता नंदा से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्होंने अपना बंगला जलसा तक अपनी बेटी के नाम कर दिया है। लुक छिप जाओ ना, लुक छिप जाओ ना। आमतौर पर बाप बेटी एक दूसरे के ज्यादा करीब होते हैं। श्वेता की बेटी नविया नंदा के पॉडकास्ट शो व्हाट द हेल नविया पर
श्वेता और जया दोनों आई थी और इस दौरान श्वेता ने अपनी माँ की पेरेंटिंग की कई खास बातें शेयर की। श्वेता ने बताया कि उन्हें अक्सर बचपन में अपनी माँ से पिटाई खानी पड़ती थी। श्वेता ने यहाँ तक कहा कि बड़े बच्चों को अपने माँ बाप से ज़्यादा डांट फटकार पड़ती है और उनकी इस बात पर जया बच्चन ने भी हामी भर दी कि हाँ ये सही बात है कि पहले बच्चे को ज़्यादा डांट पड़ती है और दूसरा बच्चा लाडला रहता है। श्वेता ने शो पर अपनी बेटी के साथ अपने बचपन की बातें शेयर करते हुए बताया कि उनकी माँ उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में डालना चाहती थी। अले आओ ना, लुक छिप जाओ ना, रे आओ ना। और उनके लिए वो हर संभव कोशिश करती थी। जया ने श्वेता को भरतनाट्यम, क्लासिकल म्यूजिक, स्विमिंग, सितार और पियानो बजाना सिखाया है। श्वेता ने यहाँ तक कहा कि उनकी माँ थप्पड़ मारने में बहुत फ्री थी और उन्होंने बचपन में खूब थप्पड़ खाए हैं, जबकि उनके छोटे भाई अभिषेक को बिल्कुल भी मार नहीं पड़ती थी। और कई बार ऐसा हुआ है जब गलती करने पर श्वेता को जया ने बहुत मारा था। जया ने बताया कि बचपन में श्वेता बहुत परेशान करने वाली और जिद्दी बच्ची थी। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स बच्चे को तब मारते हैं जब बच्चे उन्हें गुस्सा दिलाते हैं और वो परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में पेरेंट्स की प्रतिक्रिया गुस्से के रूप में ही बाहर आती है। जहां जया ने अधीर होकर श्वेता पर हाथ उठाया, वहीं उनके पिता अमिताभ बच्चन इसके खिलाफ थे। अधिकतम सजा कोने में खड़े रहने की दी है। श्वेता ने कहा कि मुझे वो सजा पसंद थी क्योंकि मैं कहानियाँ बनाती थी और वहाँ कोने में खुद से बात करती थी। ये तो थी बचपन की बात, लेकिन अब माँ बेटी की ये जोड़ी एक मजबूत बॉन्ड शेयर करती है। तेरे साथ होगी मेरी दुआएं। इससे पहले पॉडकास्ट पर जया ने बताया था कि कैसे श्वेता अब उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं। उन्होंने कहा था, पिछले 2 सालों में मेरी सबसे अच्छी दोस्त नविया और श्वेता रही हैं। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। मैं उनसे अपनी पसंद की कोई भी बात कह सकती हूँ। इस तरह बचपन में माँ से पिटाई खाने वाली श्वेता आज अपनी माँ की बेस्ट फ्रेंड है। माँ बेटी का रिश्ता ही सहेलियों जैसा होता है। पुरुष की असफलता की महिला क्यों है जिम्मेदार, अमिताभ बच्चन की बेटी ने दिया जवाब। नविया के पॉडकास्ट के नए एपिसोड में श्वेता और जया बच्चन ने बताया कि जब भी वो लाइफ के उस दौर में होती है जहाँ उनके हाथ निराशा लगती है तो वो क्या करती है। श्वेता ने कहा कि मैं जब भी फेल होती हूँ तो मैं खुद पर बहुत सख्त हो जाती हूँ। खुशियों से आबाद है अपने घर का कोना कोना। श्वेता बच्चन की लाडली बेटी नविया नवेली नंदा एक एंटरप्रेन्योर होने के साथ खुद का पॉडकास्ट भी चलाती हैं। इस पॉडकास्ट में श्वेता बच्चन और जया बच्चन भी अपनी राय रखती हुई नजर आती है। नविया के पॉडकास्ट का नया सीजन चल रहा है जहां वो लाइफ के फेलियर, डेटिंग, सोशल मीडिया पर बात करती हुई नजर आ रही है। पॉपुलर हो रहा नविया का पॉडकास्ट। नविया के पॉडकास्ट के नए एपिसोड में श्वेता और जया बच्चन ने बताया कि जब भी वो लाइफ के उस दौर में होती है जहां उनके हाथ निराशा लगती है तो वो क्या करती है। श्वेता ने कहा कि मैं जब भी फेल होती हूँ तो खुद पर बहुत सख्त हो जाती हूँ, आराम से खुद को डील नहीं कर पाती हूँ। वहीं जया बच्चन ने कहा कि मैं अगर किसी चीज़ पर फेल हो रही हूँ तो मैं हार नहीं मानती, बल्कि उसको दोबारा से जाकर करना प्रीफर करती हूँ। उस समय मेरा यही रिएक्शन होता है। नविया को दोनों के जवाब काफ़ी ही प्रेरित करते दिखे। नविया ने पूछा कि कई बार पुरुष जब फेल होते हैं तो महिला को ब्लेम किया जाता है। इस पर श्वेता कहती है कि मुझे लगता है कि ये सब सिर्फ उस सेंटेंस की वजह से कहा जाता है जहां बोलते हैं कि हर सक्सेसफुल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, आखिर महिला उसके साथ क्यों नहीं खड़ी हो सकती है, आपको उसके पीछे क्यों खड़ा होना है,
श्वेता के इस जवाब पर जया भी हामी भरती नजर आती है।